इधर देखो, मेरे कन्हैया को काला नहीं कहना, नहीं कहना। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। आवाज लगाई है, मेरे कन्हैया को काला नहीं कहना, काला नहीं कहना। बोले क्यों? बोले सुनो ना, काला है लेकिन दिल वाला है। ओए पंडित जी, प्रेमी लोग इस प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो जान दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को वाला ज्ञान दिया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। अरे भक्तो, नतीजा ये हुआ, भगवान कन्हैया की बात बताते हुए बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, क्यों बुद्धि खराब है तुम्हारी? काला धरा बिल्कुल डामर जैसा ड्राम है, क्या देखा था तुमने? पागल रुक्मिणी। रुक्मिणी बोली, मेरे कन्हैया को काला नहीं कहना, मेरा श्याम काला है लेकिन दिल वाला है। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, रुक्मिणी रो नहीं, कन्हैया आ चुके हैं, और जो कन्हैया का नाम सुना तो रुक्मिणी भागी। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, कहाँ जा रही हो? बोले पंडित जी, मैं जा रही हूँ। बोले रोटी तो खवाए दे, भूख न भरे जाता है। बोले नहीं खिला पाऊंगी। मतलब क्या पंडित जी? ए मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मैं भोजन कराऊंगी, ये विकास यादव जी, नंगला वर्मा जी, जो जसवंत नगर के पास में, जिनके यहाँ पर 7 मई का भगवान की कथा का कार्यक्रम है, दिलीप यादव जी नंगला वर्मा जी से, बॉबी यादव जी नंगला वर्मा जी, और सीपू यादव जी नंगला वर्मा जी के रहने वाले हैं, हाथ डाल करके हमारे भैया लोग सम्मान कर रहे हैं। विवेक यादव जी नंगला वर्मा जी से हाथ डाल के सम्मानित करते हैं, और भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति दे। परीक्षित जी, रुक्मिणी बोली, पंडित जी अरे भोजन तुम्हें कराए तो ब्राह्मण, अरे दे रही है न लग जा। पंडित जी, अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो मुझे देर लग जाएगी। पंडित जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अब मैं तुम्हें रोटी नहीं खिला पाऊंगी, अब मैं तुम्हें भोजन नहीं करा पाऊंगी। बोले सुनो, किस लिए सुनो ना, अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया ना तो मेरे श्याम की मोहनी मूरत वहां से चली जाएगी, वहां से चली जाएगी श्याम। मेरी बात सुनो पंडित जी, मेरी बात सुनो, मैं तो जाने चली द्वारिका, सासु लिया घर आई हो, मेरे अंगना में बैठ के भोजन ब्राह्मण जी भरत।
आवाज लगाई है पंडित जी, अगर हमने तुम्हें यहाँ पर भोजन कराया तो मेरे श्याम की सूरत मंदिर से चली जाएगी। जिन कन्हैया के लिए मैंने बालापन से तपस्या की है, बालापन से मैंने भजन किया है, मैं उनकी जुगनिया बन के चली जाऊंगी। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, कोई बात ना है बिटिया, जगत में मतलब को व्यवहार, जब खत ले जावे वालो कोई ना आदो तब तुमने रोटी बांध दई, उधर से जब तुम आओ काम होएगा तो रोटी खवावे बड़ी मुसीबत है। बोले पंडित जी, तुम मेरी सास के घर आना ना, तब मैं तुमको रुच रुच के भोजन बना के खिलाऊंगी। पंडित जी मान जाओ ना। बूढ़े से ब्राह्मण देवता बोले, रो नहीं, जाओ। परीक्षित जी, आज रुक्मिणी जाकर के पहुंची है तो रुक्मिणी ने माताओं 16 श्रृंगार किए हैं। पहले हमारी माताओं को 16 श्रृंगार हुआ करते थे, अब भगवान की कृपा से ठेकेदार 18 हो गए, दो और बढ़े गए। वैसे माफी चाहेंगे आप लोग, बुराई नहीं मानना, 70वां श्रृंगार जी बहुत सेट होने लगी है। पहले देखो अम्मा बैठी है, कोई कराती थी नहीं। 18वां श्रृंगार जी लटे लटकर लगी है, है ना, तो दो श्रृंगार और बड़े में रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए और 16 श्रृंगार करके रुक्मिणी मैया की गोद में अपना सर रख करके बुरी तरह से रोने लगी। मैया मैं जा रही हूँ, लौट के कभी नहीं आऊंगी। मैया ने कहा, बेटी तुम जाओ। सहेलियों को साथ में लेकर के रुक्मिणी चली, और जो चली रुकम पाल आ गया। कहाँ जा रही हो तुम? भैया हाँ हाँ, पूजा करने को जा रही हूँ मैं। पागल हो क्या? क्या हुआ? अरे हुआ क्या तुम्हें नहीं मालूम? कन्हैया रथ लेके घूम रहा, बुद्धि खराब है तुम्हारी, अकेली नहीं जाओगी तो क्या करें? अरे करो क्या, ओए लड़कियों ऐसे लेकर के जाओ, पूजा करा के अति शीघ्र वापस लौटार के ले आना, समझ गए? सहेलियां साथ में चल दी, सेना दरबार से मंदिर तक लगा दी। रुक्मिणी पूजा करने के लिए आगे बढ़ी, अलोपा मैया के मंदिर के पास पहुंची। बा भाई बा, कन्हैया ने देखा, बा भाई बा पंडित जी, एक रुक्मिणी बताई थी, पांच पांच लड़कियां भेज दई, अब जामे जही मालूम ना एक रुक्मिणी है तो एक कौन? कंगन वाला हाथ ऊपर किया रुक्मिणी ने, ऐसा ना हो कहीं हमारे बदले में दूसरी बैठी ना चली जाए। कंगन वाला हाथ ऊपर किया, भगवान समझ गए जय रुक्मिणी है, पास में बुलाया, इधर आइए, हाथ पकड़ा, रथ में बैठाला, चलने लगे। वाह भाई वाह, रुकम ने देख लिया, पता चला कि कन्हैया रुक्मिणी को लेके चला गया, सेना को लिया और जाकर के भगवान कन्हैया के रथ को घेर लिया। कन्हैया कन्हैया, माखन की चोरी करने वाला लड़कियों को चुराना प्रारंभ कर दिया, क्यों? वो दशा करेंगे तुम्हारी। बोला रुको, हाँ।
लाला भगवान कन्हैया के पास में बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा है, कन्हैया तुम रुक्मिणी की रक्षा करना और इनके लिए तो हम ही काफी हैं। सारी सेना को भगवान कन्हैया के बड़े भ्राता बलराम जी ने पराजित किया है और रुकमपाल को रथ के पीछे बांध लिया है और रथ के पीछे बांध करके आज भगवान कन्हैया घसीटते हुए रुकम को लेकर के चले हैं। माताओं, रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया से निवेदन किया है, प्रभु आप हमारे भैया को छोड़ दीजिए, अगर मेरा भैया मेरी शादी में मारा गया तो जिंदगी में रुक्मिणी को कलंक लग जाएगा, इसीलिए हमारे भैया को छोड़ दो। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके रोने लगी। कन्हैया बोले, रुक्मिणी मैं तेरे भैया को कभी नहीं छोड़ सकता, ये बड़ा दुराचारी है, ये अपनी बहन का विवाह साले के साथ में कर रहा था। तो रुक्मिणी कहने लगी, भैया मर जाएगा, जब किसी बहन की शादी हुआ करेगी तो उस बहन की शादी में किसी किसी माता के मुखारविंद से ये निकल जाया करेगा कि रुक्मिणी की शादी में रुक्मिणी ने अपने भैया को खा लिया था, इसीलिए कन्हैया